और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों के। औरंगाबाद में महाराणा प्रताप महासम्मेलन में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हल्दी घाटी हो या गलवान घाटी, भारत का सिर हमेशा ऊंचा रहा और रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से रिजिजू और उपराष्ट्रपति धनखड़ को राहत, न्यायपालिका पर टिप्पणी, मामले में सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर विचार करने से इनकार। सीएम योगी ने गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में की पूजा अर्चना, साथ ही जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। बजरंग दल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पंजाब के संगरूर कोर्ट ने जारी किया नोटिस, कोर्ट ने खड़गे को 10 जुलाई को किया तलब। जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग केस में एनआईए का एक्शन। उद्धव ने अपने मुखपत्र सामना में भाजपा पर साधा निशाना, लिखा कि ऑपरेशन लोटस को जनता ने कुचला, कर्नाटक में नहीं चला नकली हिंदू। एनसीपी नेता जयंत पाटिल को ईडी का एक और नोटिस, 22 मई तक पेश होने के लिए कहा गया, आईएलएनएफएस से संबंधित कथित अनियमितताओं के मामले में नोटिस। मुंबई में गैस लीक से बेकरी में लगी आग, दो बच्चों समेत 6 लोग झुलसे, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के बलोदा बाजार में पिकअप और वैन में टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, सीएम बघेल ने शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र में फिर हिंसक झड़प की घटना आई सामने, अहमदनगर के शेवगांव तहसील में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पैडल फॉर पीस रैली आयोजित, G20 साइक्लोथॉन रैली में युवाओं ने भाग लिया। देश में कोरोना की थम रही रफ्तार, बीते 24 घंटे में कोरोना के 801 मामले सामने आए, 1815 लोग हुए थे। महाराष्ट्र के खड़कवासला बांध में डूबने से 7 लड़कियों को बचाया गया, वहीं 2 लड़कियों की मौत। नेपाली शेरपा ने 26 बार फतेह किया माउंट एवरेस्ट, 26 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर दुनिया के दूसरे व्यक्ति बने। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज ने कहा कि यूक्रेन को जब तक जरूरत होगी तब तक मदद देगा जर्मनी। तुर्की में 28 मई को फिर राष्ट्रपति चुनाव, कल हुए इलेक्शन में किसी को बहुमत नहीं। मैक्सिको में ट्रक और वैन में हुई टक्कर, आग लगने से 20 से अधिक लोगों की मौत। पश्चिमी विक्षोभ ने गर्मी के अरमानों पर फेरा पानी, आंधी बारिश से 3 डिग्री तक गिरा पारा। अरहर की दाल के दाम में हो सकती है बड़ी कमी, जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार कर रही म्यांमार से बातचीत, भारत के दलहन इंपोर्ट मार्केट में अरहर और उड़द की 70% हिस्सेदारी। आर्यन खान केस में सीबीआई की एफआईआर से बड़ा खुलासा, एफआईआर में आर्यन के परिवार से वसूली का खुलासा, ड्रग्स केस में 25 करोड़ की राशि की वसूली का खुलासा। फिल्म द केरल स्टोरी की धुआंधार कमाई, फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई, कुल कलेक्शन 135 करोड़ के पार पहुंचा। एमएस धोनी के फैन बने सुनील गावस्कर, सीएसके कैप्टन से शर्ट पर लिया ऑटोग्राफ, वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल। स्पेनिश लीग ला लीगा में बार्सिलोना का 27वां खिताब, बार्सिलोना ने एस्पेनियोल को 4-2 से हराकर 27वीं बार खिताब जीता। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, नीतीश रिंकू की तूफानी पारी से जीती केकेआर। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की भिड़ंत, सनराइजर्स हैदराबाद से होगी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहली बार आमने सामने होंगी दोनों टीमें। अलवर में 14 मई सामाजिक न्याय अधिकारिता और कारागार विभाग कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की धर्मपत्नी गीता जूली ने जे नाइट क्रिकेट ट्रॉफी के समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ग्राम खेड़ला में चल रही जे नाइट क्रिकेट ट्रॉफी के समापन हुआ, इस अवसर पर समस्त ग्रामवासियों ने गीता जूली का भव्य स्वागत किया और गीता जूली ने दोनों टीम को बधाई दी। टोंक में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, साथ ही एक दूसरे को मीठा खिलाकर बधाई दी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट शंकर चौधरी ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने मोदी सरकार द्वारा फैलाए गए नफरत के बाजार को बंद कर दिया, कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया। भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ नागौर दौरे पर रहे, यात्रा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की अष्टधातु की मूर्ति का अनावरण किया, मूर्ति अनावरण स्थल पर उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया गया। धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ भी साथ दौरे पर रहे। क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल सापसर जोधपुर से जयपुर जाते समय चूरू के रतनगढ़ के अल्प प्रवास पर रुके, इस दौरान समाज के लोगों ने संगम चौराहे पर स्थित एक निजी होटल में उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज के लोग राजनीति में अपनी भागीदारी का दायरा बढ़ाएं।
सीकर के नीमका थाना में 108 कुंडिये श्रीराम महायज्ञ का आयोजन। महायज्ञ में मानव कल्याण के लिए वेद मंत्रों के लिए आहुतियां दी गई। इस मौके पर यज्ञ आचार्य चिरंजीवी शास्त्री ने महायज्ञ के महत्व के बारे में बताया। महायज्ञ पांडाल की परिक्रमा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रदेश में चक्रवाती तूफान मौका के कारण पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिसका असर नागौर के डीडवाना में देखने को मिला। बीते दो दिन में आंधी का दौर शुरू हो गया, वहीं अगले चार दिनों तक आंधी बारिश की संभावना जताई जा रही है। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद बंदियों के मनोबल को बढ़ाने और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए जुम्बा फिजिकल एक्सरसाइज कैंप आयोजित किया गया। जेल अधीक्षक के राजपाल सिंह ने बताया कि जेल में लगभग 1550 सजायाफ्ता बंदी बंद हैं। इन बंदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज आयोजित की गई। बांसवाड़ा जिला पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों में पूर्व के चालान शुदा अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत अभियान चलाया गया। इस अभियान में कुल 274 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह ने बताया कि विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर कार्रवाई की गई। बाड़मेर के नेशनल हाईवे पर मेडिकल कॉलेज के सामने क्रेन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव मोर्चरी में रखवाया। राजसमंद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राजनगर थाना पुलिस ने 4 हिस्ट्री शीटर और 7 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही 29 बोतल देसी शराब, 15 लीटर हथकड़ शराब समेत अन्य सामान बरामद किया। झुंझुनू के चिड़ावा में सुल्तान बस स्टैंड के पीछे घर में ईसाई धर्म की गतिविधि चल रही थी, जिसकी सूचना आरएसएस, विहिप, बजरंग दल समेत हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर 25 से 30 ईसाई मिशनरी के लोग मिले हैं और बिना इजाजत के चल रहे कार्यक्रम को तुरंत बंद करवाया। जयपुर के चूरू शहर में ट्रांसफार्मर में आग लगने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही घटना शहर के वार्ड नंबर 45 चंदोलिया की ढाणी से सामने आई, जहां बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। बारा के छिपा बड़ोद में छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने गांवों में पहुंचकर भाजपा नेताओं के साथ जनसमस्याएं सुनी। साथ ही ग्रामीणों ने आत्मीय भेंट की। विधायक का पंचायतवासियों ने साफा बांधकर और माला पहनाकर स्वागत। सिरोही के खंडेलवाल वैश्य समाज के ठाकुर जी मंदिर के वार्षिक मेलो उत्सव का आगाज। महापूजन का 451 व्यंजनों के अन्नकूट का भोग लगाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने शिरकत की। विधायक ने कहा कि सनातन ने ही पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। अजमेर के पीसांगन उपखंड क्षेत्र के कालेसरा में फूड प्वाइजनिंग से मवेशी बने काल का ग्रास। फूड प्वाइजनिंग से 5 गाय और 1 भैंस काल का ग्रास बन गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पशुपालक ने मवेशियों को रोजमर्रा की तरह कैटल फीड खिलाकर दूध निकालने लगा, तो इसके बाद अचानक एक के बाद एक मवेशी अचेत होकर गिरने लगे। उपचार के बाद पशुओं ने दम तोड़ दिया। जयपुर के चोमू में अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज अंधड़ के साथ कई गांवों में बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। वहीं धूल भरी आंधी चलने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिससे वाहन चालकों को भी सड़क मार्ग पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नागौर की कुचामन सिटी में सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान का स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान रैली के रूप में गाजे बाजे के साथ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कल्याण मंडप पहुंचे। इसने स्नेह मिलन समारोह में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संस्थान से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। करौली के सपोटरा के बैरवा बस्ती में आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी मची। आग में 4 से 5 छप्पर पोश घर और सामान जलकर राख हुए। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। जयपुर में मदर्स डे पर एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में मंत्री शकुंतला रावत ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम ट्रेनिंग कार्यक्रम को एक बहुत अच्छा विकल्प बताया। अजमेर के ब्यावर के राजकीय सनातन धर्म महाविद्यालय खेल मैदान पर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 2 का शुभारंभ किया गया। शिव क्रिकेट अकादमी की ओर से प्रतियोगिता आयोजन। प्रतियोगिता का उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के पूर्व सभापति गोविंद पंडित ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का माला साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। करौली के टोड़ा भीम के राजौर गांव के सर्व समाज ने मिलकर एक ट्रॉली, 50 मण गेहूं और 2500 रुपए की सहायता राशि आगजनी से पीड़ित को सौंपी। ऐदलपुर के पंच पटेलों के समक्ष आप करौली जिला अध्यक्ष मदन मोहन राजौर ने सौंपी। सवाईमाधोपुर की मलारना डूंगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत 13 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्पात मचाते आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक बाइक और कार जब्त की। थाना अधिकारी राजकुमार मीणा ने जानकारी दी। धौलपुर के सरमुथरा में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत बधाई दी। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व जिला कोषाध्यक्ष सुआलाल
गर्ग ने बताया कि राहुल गांधी ने जो नारा दिया था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, वो सफल हुआ है। धौलपुर के सरमुत्रा में पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 103 वाहनों के चालान काटे। आंगई और खरीर पुल पर नाकाबंदी के दौरान चालान काटकर 72,600 का जुर्माना वसूला। जोधपुर के साधीन गांव में पीएससी की सौगात सीएम गहलोत ने अपने जोधपुर के दौरे के दौरान की, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। पीपार शहर सोनिया जयंत चौधरी ने सीएम का आभार जताया। जयपुर के किशनगढ़ में नवनिर्वाचित फुलेरा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश बांगड़वा का माला और साफा पहनाकर जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि बांगड़वा ने महेश ककरालिया को रिकॉर्ड तोड़ 800 वोटों से पराजित कर फुलेरा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। श्रीगंगानगर में आप कार्यकर्ताओं का जालंधर में जीत का जश्न मनाया गया। पंजाब में हुए उपचुनाव में आपकी जीत पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। अजमेर के विजयनगर में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर आतिशबाजी। पूर्व पालिका अध्यक्ष सचिन सांखला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। टोंक के बरौनी थाना क्षेत्र में ट्रेलर ने बुलेट गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में बुलेट बाइक पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच बरौनी पुलिस कर रही है। उदयपुर के गोगुंदा में पशुओं के बाड़े में आग लगी। आग में बैल जिंदा जला। साथ ही बाड़े में रखी 2,000 फुलिया जलकर राख हो गई। किसान केदाराम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अजमेर के किशनगढ़ के प्रेसिडेंसी विद्यालय के तत्वाधान में मातृ दिवस का भव्य आयोजन किया गया। विद्यालय के चेयरमैन जीएस सिंह भी और डायरेक्टर गरिमा सिंह भी ने कहा कि बच्चों में बचपन से ही माता पिता के प्रति नैतिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में किशनगढ़ के कम्युनिटी हॉल में मातृ दिवस का आयोजन किया गया। जयपुर के चोमू में दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, वहीं 4 लोग घायल। सूचना मिलते ही सामूत थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा में आदिवासी आरक्षण मंच मिशन 73 की ओर महारैली निकाली गई। आदिवासी आरक्षण मंच की ओर से जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रशासनिक सेवा में 6.5% पृथक आरक्षण समेत अन्य मांग को लेकर रैली निकाली गई। साथ ही सभा का आयोजन किया गया। जोधपुर के लोहावट के मूलराज में 33 केवी लाइन टूटकर गिरी। सड़क किनारे गिरी विद्युत लाइन से पेड़ पौधे में आग लगी। ग्रामीणों ने डिस्कॉम को सूचना देकर विद्युत आपूर्ति करवाई। फर्जी जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ देश भर में एक विशेष अखिल भारतीय अभियान शुरू होने जा रहा है। अभियान के संबंध में दिशा निर्देश बीते 4 मई को जारी किए गए। सभी केंद्रीय और राज्य कर प्रशासन द्वारा 16 मई से 15 मई के बीच अभियान शुरू किया जाएगा। जयपुर में 21 मई को आयोजित होने वाली कुमावत महापंचायत को लेकर समाज की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा और कोर कमेटियों का गठन कर समाज बंधुओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। महापंचायत में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने को लेकर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हुई। करौली में ट्रक यूनियन तिराहे पर विशाल पेड़ गिरने के दौरान टला बड़ा हादसा। तेज अंधड़ के कारण पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क पर गिरा। पेड़ गिरने से क्षेत्र से गुजर रही विद्युत लाइन भी टूटी। एक बाइक सवार पेड़ से नीचे दबकर घायल हो गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नागौर दौरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। चौधरी ने हेलीपैड पर उपराष्ट्रपति धनखड़ और उनकी पत्नी को भी शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। अजमेर में एक युवक को घर जाते समय बीच रास्ते में महिला को लिफ्ट देना भारी पड़ गया। पीछे बैठी महिला ने गले से 2.5 तोला सोने की चेन तोड़ ली। पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर एएसआई मोइनुद्दीन को सौंपी है जांच। झुंझुनू में बालाजी मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। 3 चांदी के छत्र बालाजी की चांदी की पोशाक पर हाथ साफ किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही चोरों की तलाश में जुटी। जोधपुर के शेरगढ़ में संत शिरोमणि पीपाजी महाराज का भव्य मंदिर बनाने की क्षेत्रीय समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान सर्वसहमति से बाबूराम दैया को अध्यक्ष सहित 11 लोगों की कमेटी बनाई गई। राजसमंद के देलवाड़ा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हाई वोल्टेज बिजली आने से लोगों को घरों में लोगों के घर के उपकरण खराब हुए। कस्बे में मुख्य खट्टी बस्ती कुमार बस्ती ब्रह्मपुरी सोनी मोहल्ला और मुख्य बाजार में अचानक से हाई वोल्टेज बिजली आई। लोगों ने विद्युत विभाग को फोन कर सारी बिजली बंद करवाई। तब लोगों ने सारे उपकरण चेक किए तो सभी खराब हो चुके थे। भरतपुर के कामा थाने के सामने घास फूस में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने से थाने में अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने दमकल विभाग को सूचना दी।
रतनगढ़ तहसील के गांव गोगासर में बवाल मचा। एक ट्रक की टक्कर से 5 गौवंश की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश का प्रयास किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई। बूंदी में बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म के लिए नगर परिषद में 2 करोड़ रुपए की अनुशंसा जारी हुई, जिसका कार्य शुरू हुआ है। वहीं रोडवेज के मुख्य प्रबंधक, नगर परिषद सभापति मधु नुवाल, पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने विकास कार्य का शुभारंभ किया। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने अभियान चलाकर वांछित अपराधियों की धरपकड़ की। अभियान के तहत लगभग 300 से अधिक वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें अदालत में पेश किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।